गुड मॉर्निंग स्टूडेंट प्लस टू फर्स्ट ईयर जोटा पूर्व थर मोशन विषय इंट्रोडक्शन कराई थिला आउ मोशन को लेकिन ब्रांचेस सब कहला काइनेमेटिक्स डायनामिक्स आउ स्टैटिक्स विषय कहा था बर्तमान आम गोटे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूचे जो पढ़ा बर्तमान मोशन को काइनेमेटिक्स चैप्टर में कत रकम डिवाइड कराई आउ काइनेमेटिक्स मोशन को कमी एक्सप्लेन कराई है सेपाई आम न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा जोटा पूर्व थर कहला स्टार्ट कराब काइनेमेटिक्स लेसन प्लस टू फर्स्ट ईयर जोटा कि थर्ड चैप्टर आसूची यूनिट डायमेंशन स्केलर फैक्टर पर चैप्टरटा काइनेमेटिक्स सहीटा आज स्टार्ट कराब है कि बर्तमान काइनेमेटिक्स लेसन स्टार्ट कराब ये देख काइनेमेटिक्स लिखाई सो समस्ते गोटे कम कर स्क्रीन को पज करना लिखि दि आगे दस सेकेंड मुझे रखुची या तो तुम्हें कम कर स्क्रीन को पज करी भल भाव लिखि दि देखि मुझे एक्सप्लेनेशन कर स्टार्ट कले भल हम लिखि दि आगे समस्ते तो बर्तमान आम स्टार्ट करना काइनेमेटिक्स लेसनटा काइनेमेटिक्स विषय में पूर्व थर कही काइनेमेटिक्सटा डिराइव कराई ग्रीक वर्ड तार नाम था काइनामा काइनामा मीन्स कौन कहला मोशन और से ही काइनेमेटिक्स ही आम स्टडी करवा क्या मोशन स्टडी करवा तो बर्तन देखा मोशन टाक प्रकार डिवाइड कराई जाना दरकार काइनेमेटिक्स तो से तहारी बर्तन मुझे स्टार्ट करी मोशन को कैसे टाइप डिवाइड कराई आम कौन कौन पढ़ा है आम काइनेमेटिक्स क्या पढ़ा से जानवा गोटे पर गोटे है तो बर्तमान ये केस रे काइनेमेटिक्स रे कहला स्टडी कहाँ पर करवा मोशन उपरे आ मोशन को देखो जनरली डिवाइड कराई थ्री टाइप्स रे गोटे प्रथम लिखाई देखो ट्रांसलेटरी मोशन गोटे सेकेंड लिखाई रोटेशनल मोशन थर्ड लिखाई वाइब्रेशनल मोशन ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन वाइब्रेशनल मोशन ये तीन टा कैटेगरी कराई मोशन रे आ काइनेमेटिक्स रे से मोशन को आम तीन प्रकार डिवाइड कर सारापर कापाई कौ इक्वेशन पकेबा से चैप्टर गोटे गोटे पढ़ले जानवा बर्तमान एटी कहुच ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन आउ गए कौन आसूस वाइब्रेशनल मोशन प्रथम टाइम एक्सप्लेन करवा ट्रांसलेटरी मोशन देख समस्त ये भल भाव बुझ ये ट्रांसलेटरी मोशन को फोकस कर ये ट्रांसलेटरी मोशन विषय में आनालीसीस करवा तो देख ट्रांसलेटरी मोशन रे प्रथम लिखाई केस रे इफ ऑल द पार्टिकल्स मूव्स विथ सेम स्पीड एंड फॉलो द सेम पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन माने एक केस रे कहा उची जति की पार्टिकल माने अछंती समस्ते सेम स्पीड रे जिबे आउ सेम पाथ फॉलो करिबे कहा संगरे ऑब्जेक्ट संगरे सेम स्पीड सेम पाथ ऑब्जेक्ट संगे जदि फॉलो करिवे ताकु ही आम कहीपर ट्रांसलेटरी मोशन माने गोटे ऑब्जेक्ट ना सपोज धर मुझे खाली जस्ट गोटे कह दे एग्जांपल कहीदेपोजर आम जो गोटे ऑब्जेक्ट ना गोटे गोटे बॉक्स नहीं हूँ माने बॉक्सटा जो पटे जाऊक स्पीड रे जातर जी पार्टिकल मान अच्छा पार्टिकल बुझ दाना पार्टिकल जमी कह गए एक्जाम धर चीनी डबार अच्छी लुण डबार अच्छा से डबाटा को मुझे गड़ेबी जदि डबाटा जितक स्पीड में जाऊँ चीनी दाना मान भी से स्पीड में जाऊे से ही केस कहीपर ट्रांसलेटरी मोशन कहला बक्सटा गोटे निगला बक्स तो बहुत का पार्टिकल को नहीं या पार्टिकल बुझे समस्ते गोटे दाना टाइप्र तर बहुत का पार्टिकल अच्छा ये पार्टिकल माने सब जुड़ी तैयारी करछंती कोनटा ऑब्जेक्ट तो जदि ऑब्जेक्टा जेमिति पाथ रे जाउथिबो पार्टिकल माने भी सही पाथ रे जिबे आउ ऑब्जेक्ट रो स्पीड आउ पार्टिकल रो स्पीड जदि समान हेइथिबो सेते बेले आमे कहि पारिबा ट्रांसलेटरी मोशन तो ट्रांसलेटरी मोशन पई ऑब्जेक्ट रो एंटायर वेलोसिटी सपोज धर ये जा 10 मीटर पर सेकेंड गोटे एग्जांपल बुझाप कौच 10 मीटर पर सेकेंड तामने एक केस रे एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर जितकी अच्छा
समस्त स्पीड भी 10 हवा दरकार आउ ऑब्जेक्ट जाऊँ डाहाण को एम भी कौन जीवे डाहाण को कते बेले से मोशन टाक ट्रांसलेटरी मोशन तो से ट्रांसलेटरी मोशन माने ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इज रिमेन सेम एंड फॉलो द सेम पाथ। देखो तापर बुझाई चक ये ट्रांसलेटरी कहला मैंने पिला भावती लिनियर माने सीधा किंतु से नुहे ट्रांसलेटरी दुई रकम अच्छी लिनियर ट्रांसलेटरी कर्भिलिनियर ट्रांसलेटरी लिनियर कर्भिलिनियर लिनियर माने सीधा कर्भिलिनियर माने कर्व पाथ रे जीव तो ये आम लिनियर ट्रांसलेटरी जिते कह देखिपार समस्त डायग्राम ये ऑब्जेक्टा प्रथम ए पॉइंट रे थिला आसला को पॉइंट को बी पॉइंट को तो देखो समस्ते ऑब्जेक्टा ए रु बी को आसी केमी पाथ फॉलो करी तो ऑब्जेक्ट जिते बड़े ए रु बी को गला से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करी स्ट्रेट तो या भितर दुटा पार्टिकल को मुझे धरी देख गोटे पार्टिकल नहीं पी आ गोटे पार्टिकल नहीं क्यू तो पी पार्टिकल आ क्यू पार्टिकल भी देख समस्ते ये पी पार्टिकल भी सीधा जाइए स्ट्रेट लाइन क्यू पार्टिकल भी देखो सीधा जाइए स्ट्रेट लाइन तामने ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट गला पार्टिकल माने भी स्ट्रेट गले सपोज धर यार वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड तो पी रो भी हम 10 मीटर पर सेकेंड क्यू रो भी कते हम 10 मीटर पर सेकेंड समस्ते स्पीड में जीवे से पार ट्रांसलेटरी मोशन कर्भिलिनियर देख कर्भिलिनियर रे ऑब्जेक्ट देखो को पाथ आसी कर्व पाथ आसी कर्व तो ऑब्जेक्ट जदि कर्व पाथ रे आसी ताले या भीतर जी पॉइंट माने अच्छा से पॉइंट माने भी कौ पाथ रे जीवे कर्व पाथ रे जीवे देखी पार्च ऑब्जेक्ट को केमती आसी देखो एटा को गोडाणी रास्ता रे घोरी गोडाणी रास्ता रे आसी छी माने एटा ऊपर अछि तळकु आसू छी गोडाणी रास्ता रे एमती आसीला तो पार्टिकल माने भी केमती आसीबे सेही भळे आसीबे देखि पछ समस्त तो ऑब्जेक्ट रो पाथ पार्टिकल रो पाथ जदि समान हेइथिबो ताले सेही केस रे आमे ताकु कहि परिबा ट्रांसलेटरी मोशन सति भाई ट्रांसलेटरी माने स्ट्रेट लाइन नुहे कन्फ्यूज हमनी स्ट्रेट लाइन नुहे ट्रांसलेटरीटा लिनियर भी पार कर्भिलिनियर भी पार माने सीधा भी जापर कि उठाणी रास्ता गडाणी रास्ता भी हो पार किसी प्रोब्लेम ना खाली गोटे कंडीशन मानव ऑब्जेक्ट रो मोशन आ पार्टिकल रो मोशन सेम होगा दरकार तो से देख ये केस कह ट्रांसलेटरी मोशन जदि होब्जेक्टा एंटायर ऑब्जेक्ट को माने ट्रांसलेटरी मोशन जदि गोटे ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट को गोटे पॉइंट नहीं पारि पॉइंट कि पॉइंट को कहा जाऊँ किस पार्टिकल पॉइंट माने पार्टिकल देख बर्तमान आम कौन पर पढ़ुचे फिजिक्स दरकार किस मु प्रथम कही फिजिक्स आम डेली लाइफ यूज हो सपोज धर गोटे रास्त गोटे गाईटा चली चली जा सेठी आम कैलकुलेशन करवा आ तार मोशन को आम एनालिसिस करवा जदि से गाईटा सीधा रास्त चली चली जाऊँ से कौन मोशन हो ट्रांसलेटरी मोशन हो ट्रांसलेटरी मोशन हो मैंने कौन ट्रांसलेटरी होनियर ट्रांसलेटरी जदि लिनियर ट्रांसलेटरी होने गाईटा जैक भेलोसीटी जाऊ गाईर तर जी पार्टिकल मैंने थे से मैंने भी सेक भेलोसीटी जीवे आदि भेलोसीटी सामान होगा ताले मु से गाई चित्र को जदि एनालिसिस करी से गाईटा को कौन नहीं पारि गोटे पॉइंट नहीं पारि आ गाई करके देखा दरकार ना हाथीटा जाऊँगी बाघटा जाऊँगी हरिण दौड़ी यूर मोशन को एनालिसिस कला बेले आम जब से चित्र गोटे गोटे बनवा तो बहुत टाइम पलेब से ही ऑब्जेक्ट मानक आम कौन धरीपर गोटे पॉइंट पॉइंट मैंने क्या भाया पार्टिकल ए परीक्षार क्वेश्चन पड़े व्वेन दि ऑब्जेक्ट इज कनसीडर एज पार्टिकल आम ऑब्जेक्ट को पार्टिकल भाया केत ट्रीट करते मोशन टा कौन हम ट्रांसलेटरी मोशन हम केतले ऑब्जेक्ट को आम पार्टिकल भाया ट्रीट कर ट्रीट करहब ना से ट्रीट करें ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आ सब पार्टिकल वेलोसिटी किस सामान तो मुझ ऑब्जेक्ट को नेबा जहाँ पी पॉइंट को नेबा सही
ऑब्जेक्ट जैसे वेलोसिटी रे जाउची पी भी सेति की वेलोसिटी जाउची ऑब्जेक्ट जो पाथ रे जाउची पी भी सही पाथ रे जाउची सेति भई ऑब्जेक्ट को मु पॉइंट नहीं पारिबी एटा होची ट्रांसलेटरी मोशन हला। आ ट्रांसलेटरी मोशन पढिबा कोठी आसीबो मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स रो फर्स्ट आसीबो तार पार्ट रे डिवाइड रे प्रथम आसीबो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ रोड पढिबा ताको नाम देले किसो लिनियर ट्रांसलेटरी आ गुटे पढिबा कर्वी लिनियर मोशन इन टू डायमेंशन ताकू कहा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन ये पढ़ा आम कर्वी लिनियर ट्रांसलेटरी से दुईटा को पार्ट आसला लिनियर आ गोटे कौन आसला कर्वी लिनियर तापर नेक्स्ट आस रोटेशन मोशन तो बर्तमान रोटेशन मोशन देख लिखाई इफ पार्टिकल मूव इट इज को रोटेशनल मोशन ये देख जहाँ लिखाई थी तार अपोजिट कथा लिखाई ये लिखाई थे देख ये मुझे गार मार्च देखी दूची देख लिखाई था सेम स्पीड देख पार सेम स्पीड लिखाई थी ये देख कौन लिखाई डिफरेंट स्पीड माने ऑब्जेक्टा जी स्पीड रे जाऊ भर जी पार्टिकल माने थे से अलग अलग स्पीड रे जाऊ सामान ना देख बर्तमान मुझे तुम डायग्राम देख मुझे बुझीप एटा गोटे चक बनाई गोटे चक है कि सैकल चक बनई देवा कि गाड़ी चक जहाँ गोटे चक दिखाई चक देख ये चकटा कौन हो घूरू घूर मैंने कौन है रोटेशनल मोशन रोटेशन सब समय रोटेशन रोटेशन मान घूर है तो बर्तमान देख ये जदि ये पूरा राउंड कम्प्लीट कर पूरा राउंड कम्प्लीट कर तो भलसे देख पूरा राउंड कम्प्लीट कले पी भी एम घूरिक आसो यू भी घूरिक आसो तो तुम्हें देख ये डायग्राम तोरे राउंड मारिकी आसला परे पी आउ क्यू दुई जन सारा समान डिस्टेंस ट्रैवल करिवे कि देख भल से डायग्राम रे मु कर दउची देख पी टा राउंड मारिकी आसला देख एमिती आसला एटा तार हला राउंड सर्कल टा पी टा घुरिला घुरिकी आसी एटी पहुंचला क्यू देख देख एटा देख पाले डरे तो पी आउ क्यू समान दूरता कभार करना क्यूटा बेसी करीटा कम करु चकटा जो राउंड मारिकी आसब पीटा भी जिते बड़े पहुँच क्यू भी सेत बड़े पहुँच मान टाइम सामान अच्छी आम जो चकटा घूर आी जिते बड़े पहुँच क्यू भी सेत पहुँच ना जो क्यू अलग टाइम हो तो स्पकटा से जोड़ी स्पक तो जोड़बन स्पकटा सेमती रही है सैकल र तो पीटा जो जिते बड़े आस पहुँच क्यू पार्टिकलटा भी सेत पहुँच कितु दूरता देख पी रलग क्यू रलग मानने क्यूटा बेसी दूरता जा पीटा कम दूरता जा सामान टाइम लगुच सामान टाइम जड़े बेसी दूरता कभार करुच्ची जड़े कम दूरता कभार करुच्चे जी बेसी दूरता जाऊँ बेगटा बेसी जी कम दूरता जाऊँ बेगटा कम माने क्यू रो वेलोसिटी पी रो वेलोसिटी होची अलग माने क्यू वेलोसिटी बेसी हबो पी रो कम हबो तो ये कम सॉरी ये बेसी ये कम जहाँ पर देख पी रो वेलोसिटी क्यू रो वेलोसिटी अलग गला एटा को कहा जाउची रोटेशनल मोशन तो एई केस रे पी रो वेलोसिटी आ क्यू रो वेलोसिटी अलग समान हबो नाही तो जदी समान हेलानी ए केस रे ताले देख ये ट्रांसलेटरी मोशन रे आमे एंटायर ऑब्जेक्ट को गोटे पॉइंट भाया ट्रीट कर पारे कौन पाई क्या केस रे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी सब पॉइंट रो वेलोसिटी समान थिला से धरा होता ये कौन है प्रत्येक पॉइंट रो वेलोसिटी आउ ऑब्जेक्ट रो केस रे ऑब्जेक्ट नहीं पारिबा नाही केबे भी नहीं पारिबानी एटा पढ़ाबो कोठी रोटेशनल मोशन रे सेपाई रोटेशनल मोशन केस रे ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट नहीं पारा ना कहीं सब वेलोसिटी अलग अलग आसला तो तुम्हें देखु घरे तुम जो सेलिंग मानने कामर जो उपरे फैनटा लगी फैनटा घूरू थाए फैन रो ब्लेड अच्छे ब्लेड तो लक्ष्य कर भलसे फैन र्लेड रि मुझे गोटे गोटे पॉइंट धरवि समस्त पॉइंट वेलोसिटी सामान हम ना अलग अलग अच्छी जोटा ब्लेड रो सबा शेष अच्छी जो पूरा एपटे जोटा आसो ब्लेड रो पूरा शेष मुंड पाखे
तार वेलोसिटी टा बेसी हबो आउ जेटा पूरा से राउंड रो पाखरे थिबो तार वेलोसिटी टा कम हबो। देखो मु देखि दु फैन डायग्राम रे करिकिना एटा तरो मोर फैन रहला एटा एटा रहला मोर इ केसे एटा तरो ब्लेड का रहला ना फैन रो ब्लेड का रहला हला कि तो बर्तमान देखो एई केस रे पॉइंट का नाम दूसरे बच्चो ए बी सी डी फैन टाइम घूरुची ये भाया घूरु फैन टाइम एमती घूरुची है ला? तो तुम देखी पार गोटे राउंड कंप्लीट कले ए जी दूरता कभार कर बी ताठ बेसी कर सी बी ठू बेसी कर डी टा सी ठू बेसी कर ए रु बेसी किए बी बी रु बेसी सी सी रु बेसी किए डी तार जमा पड़ी कार वेलोसिटी सब बेसी हम कार बेसी हम ये डी र से फैन र्लेड रि देखा पूरा शेष मुंडा पाखे हाथ मार जो फैन टा घूरु हाथा शीघ्र कटिज जिते भितर भितर को जीवा सेत हाथ कटार चान्सेसटा हो पूरा पूरी कम जदि तुम्हें हाथ टा नहीं पूरा ये राउंड अच्छी यार सेन्टर रखा तेल कि हम ना ये कि हम ना कहीं भेलोसीट जीरो जिते दूर को दूर को जाोसीट बढ़ी बढ़ी जाऊँ फैन र्लेड पाखे हाथ रखनी है कि अब ये जो मुझे कहली किसी हमी ता माने नुह तुम हाथ रखे कहगला शुणी था प्राक्टिकाल कर घरे कहीं तो यहाँ है रोटेशनल मोशन तापर वाइब्रेशनल मोशन लास्ट आसला वाइब्रेशनल मोशन किस कहु यार टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो माने जो रास्तार तुम्हें जाइ रास्तार जो फेर से मोशन टाक वाइब्रेशनल मोशन जो रास्तार तुम्हें जाइ रास्तार ही फेर अलग रास्ता नहीं जाऊ यहाँ वाइब्रेशनल मोशन देखो लिखाई एग्जांपल स्विंगिंग ऑफ ए चाइल्ड स्विंगिंग ऑफ ए चाइल्ड माने छुआटा गोटे दोली रे झुलुची तो से दोली रे झुलला देखो कौन होमती गला एमती आसला एमती हो तो यही केस रे छुआटा जो ऊपर को गला पुणी से रास्त आसला पुणी एपटे गला पुणी एपटे गला छुआटा दोली झुला एमती घूरिकी आसे एमती घूर पीड़ा मरी थी एमती जीव आसब पुणी गला आसला यहीटा है स्विंगिंग ऑफ ए चाइल्ड दोली रे बस दोली रे झुलन जेटा तुम्हें माने जे स्कूल जाऊ तुम्हें स्कूल गल जो रास्त तुम स्कूल जाइ से रास्त फेर है तो सहीटा हूँ कौन टा वाइब्रेशनल मोशन जदि तुम यहाँ फलो करू जो रास्त जाऊ रास्त आसूबा वाइब्रेशनल मोशन तो बर्तमान थार्ड आसला मोशन ऑफ ए बॉल इन किस लिखाई यूट्यूब यूट्यूब मान यूट्यूब नुहे तुम यूट्यूब चैनल नुहे यूट्यूब मान हूँ देख यहाँ यू यू सेप ट्यूब थे यूट्यूब कहा जाए से यूट्यूब नुहे मोबाइल रहा कि भावनी देख सेप देख जो इंग्लीश लेटर आसूसी ना यू सेप रो जो ट्यूबटा बनाई नाम दिखाई यूट्यूब तो देख ये कंडीशन कौन हो बॉलटा को आरंभ कली ए पॉइंट रु जी बॉलटा को ए पॉइंट रु बी पॉइंट को नहीं जी मुझ छाड़ीदेवी बॉलटा को नहीं ए रु बी को बी रे नहीं छाड़ीदेली छाड़ीदेला बॉलटा कौन हम बी रु कौट को पलैस ए को ए रु पुणी कौट को पलैब सी को ए राशि तो रही जी ऊपर को टी आसना तो ऊपर को मैंने कौ पॉइंट को आसला सी पॉइंट को आसला सी पॉइंट पुणी कौट को जीव ए को ए रु गला आी को पहुँचे टी कम हाइट को जीव एमती से बारंबार घूरी सारापर लास्ट आसिकिना रोठी सी ए पॉइंट रो जो स्टार्ट होता से पहुँचीगला किंतु देख पाथ कमी देख एपट है टू फ्र टू फ्र एटा एटा टू एटा है फ्र एटा है पुणी टू एटा है फ्र ये वाटा कौन टू फ्र जो रास्त गला से रास्त आसला जो रास्त गला से रास्त आसला यही मोशन टाक वाइब्रेशनल मोशन तो जो पढ़ा बर्तमान एक्सेलेटरी मोशन टा यहाँ पढ़ा कौटी बर्तमान काइनामेटिक्स पढ़ा काइनामेटिक्स पढ़ा को आम काइनामेटिक्स कहगला गोटे प्रथम पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा आम तापर पढ़ा आम किस प्रोजेक्टाइल मोशन मान हूँ टू डायमेंशन माने प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज कराऊँ समस्त क्रिकेट खेल क्रिकेट जो बैट्समैन बॉलटा को मारूँ छत जो बॉलटा जाऊँगी ही कह जा प्रोजेक्टाइल मोशन बैट्समैन को बॉलटा मैंने छे बाउंड्री पारे मानने गैलरी पड़ू लोकों पाखे पड़ू से जो बॉलटा ट्रावेल करुच्ची यही पास यहाँ है प्रोजेक्टाइल मोशन आ देख एटा लिनियर होटा कौन मोशन होर्भिलिनियर ट्रांसलेटरी
କର୍ଭି ଲିନିଆ ଦେଖ କର୍ ପାଥରେ ଯାଉଛି ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନ କହିପାରିବା ସାର୍କୁଲାର ଧର ଗୋଟେ ସାଇକଲ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ କେସ୍ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଏ ମତକା କୁଆଁ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ବାଇକ୍ଟା ଏମିତି ଘୁରୁଥାଏ ତ ସେଇ ଯେ ବାଇକ୍ଟା ଘୁରୁଛି ଏଇଟା କି ହେଉଛି ଏଇଟା କର୍ଭ ପାଥରେ ଘୁରୁଛି ସେଇ ମୋସନଟାକୁ ବି କହିପାରିବା ଆମେ କର୍ଭିଲିନିଆର ମୋସନ ସେଇଟା ମୋସନ ନୁହେଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ରୋଟେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ରୋଟେସନାଲ ମୋସନ ଅନ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା କର୍ଭିଲିନିଆର ମୋସନ କିମ୍ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନ ଏବେ ରୋଟେସନ୍ ଅଲଗା ସାର୍କୁଲାର ଅଲଗା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଇନାମେଟିକ୍ସରେ ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି ପଡ଼ିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ ରୋଟେସନାଲ ମୋସନ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଚାପ୍ଟର ସେଇଟା ପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ କହିଲି ଯେଉଁଟା ୱେଭ୍ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ା ହେବ ସେଇଠି ପଢ଼ିବ ଏଇଟା ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ମୋସନ ହେଲା କି ତ ଏଇ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ମୋସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିଲି ସବା ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖିକିନା କହିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା କି ପାଞ୍ଚଟି ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଲିଭେଇକି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତୁମମାନେ ୟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ପଜ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ତାପରେ ମୁଁ ୟାକୁ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ତୁମେ ବାଛିବ କେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ ହେଇପାରିବ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା କି Out of these, which is considered as translatory motion. ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କନସିଡର କରିପାରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ ଏକ ନମ୍ବର A train moves between two station. ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଟ୍ରେନଟା ଯାଉଛି ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏ ବାର୍ଡ ଇଜ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଏୟାର An insect is crawling on rope. A monkey is sitting on the man's head which moves in circular path. Pinning of cricket ball. A number tumbling of a beaker from the table when table cloth is removed. ଛଅଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ତ
ଟମ୍ବଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଛଅ ନମ୍ବରଟା ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଟମ୍ବଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିକର ମାନେ ବୁଝୁଛ ତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଟେବୁଲ କ୍ଲଥରେ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିଛ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ ଥାଇ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକରଟାକୁ ଗୋଟେ ଧାର ପାଖରେ ରଖାହେଇଛି, ତାପରେ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥକୁ ଟାଣି ଦେଲେ, ଟାଣି ପରେ ବିକରଟା ବିଷ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟମ୍ବଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ବିକର। ହେଲା କି ନିଜକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଛଅଟା ଯାଇଛି ତୁମେ ଆଗ କହୁଥିଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ କେଉଁଟା ହବ, ଛଅଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ହେଉଛି କେଉଁଟା ହଉ ନାହିଁ। ହେଲା କି ତିନିଟା ମୋସନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ, ରୋଟେସନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଭାଇବ୍ରେସନାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନିଟା ମୋସନକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ବାଛିବ କେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ହବ ଆଉ କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଆଉ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିବା କେତେବେଳେ ଯେ ସେଇଟା ମୋସନ ଅଛି ନା ରେଷ୍ଟ ଅଛି। ହେଲା କି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଲିଭେଇକି ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ସରିଲେ ଆମେ ମୋସନ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଇକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାରାମିଟର ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ସମସ୍ତେ ଛଅଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଲେଖିଦେଇଛ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ପଜ୍ କରି ତାପରେ ତୁମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଗା ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ହାଉ ଟୁ ଆନାଲାଇଜ୍ ଦି ମୋସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋସନକୁ କେମିତି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ମୋସନ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଛ, ତୁମେ ଧର ବସ୍ରେ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ, ଦେଖିବ ପୁରୀ ଯାଉଛ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ, ତୁମେ ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଟି କରିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ପାଟି କରିଥାଏ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉ ବୋଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ସେ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା ତୁମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲ, ସେଇ କେସ୍ରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ସେ କହୁଛି ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା, ତା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଆଗରୁ ଥିଲାନି ନା ତୁମ ପାଇଁ ସେଦିନ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ତ କିଛି ହେଇନି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଯିଏ କହୁଛି ତାର କହିବାର ବି ଯଥାର୍ଥ ମିନିଂ ଅଛି, ସେ ମିନିଂଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ଲୋକଟା ଯେଉଁଠି ବସିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଲୋକଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବସ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି ବସ୍ରେ ବସିଛି ମାନେ ବସ୍ ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋସନ ଅଛି, ସେ ତା ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ବସ୍ଟା ତା ପାଖକୁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବସ୍ଟା ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେ ମୋସନକୁ ଆମେ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ କହିଦେଉଛି ଏଠି ମୋସନକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଅବଜର୍ଭର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଅବଜର୍ଭର ଦରକାର, ମାନେ ମୋସନ ଯେ ଜଣେ କହିବ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ମୋସନ, କେହି ତ କେହି ନା କେହି ତ ଦେଖିକି କହିବା ଦରକାର, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋସନ ଅଛି, ଆରେ ଜଣେ ମୋସନ କହିଲା କେମିତି ସେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲା, ତୁମେ କହୁଛ ନା ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା କେତେବେଳେ କହୁଛ, ଦେଖିଲା ପରେ କହୁଛ ନା, ଆଉ ତୁମେ ଯେ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ କିଏ ଅବଜର୍ଭର, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ହେଲା ଅବଜର୍ଭର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ରେ ଅବଜର୍ଭର ନ ରହିଲେ କେବେ ବି ମୋସନକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଅବଜେକ୍ଟଟା ରିଆଲିଟିରେ ମୋସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ରିଆଲିଟିରେ ମୋସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଦରକାର କିଏ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭର, ଆଉ ଅବଜର୍ଭର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିବ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ, ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅବଜର୍ଭର ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ, ଫ୍ରେମ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣଟା ସେଇ ଜାଗାଟା, ଜାଗା ମାନେ କ'ଣଟା ପୋଜିସନ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ ଧର ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିବି ଟାଇମ୍ ବାଜିଛି, ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ମୁଁ କହିବି ଟାଇମ୍ ବାଜିଛି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଜିସନରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତୁମକୁ ଭ୍ୟୁ କରୁଛି,
तो मोर ये जगटा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को एनालिसिस करने ऑब्जर्वर दरकार ऑब्जर्वर किए जी देख से जो जगार छिड़ा है कि ना आ जो टाइम से देखुची क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ताद्वारा आम कहीपर एक्चुअली मोशन किए अच्छी किए ना है कि तो देख गोटे एग्जांपल कही दूचे यहाँ केमती ऑब्जर्वर डिपेंड कर जापर गोटे एग्जांपल दे कौच बसटा बस है कि ए बस रे दुई जन पिला जाउचंती हस खुशी जाउचंती राम जाउची आ सीता जाउच हला राम सीता बस रे हसी हसी जाउचन हला तापरे आउ जन सांग ताकू समान छाड़ दी पळेले तार मन बहुत दुख ताकू छाड़ी देवा द्वारा हला तोर ये सांगटा नाम होची गेंडा ताकू छाड़ी देले ता नाम गेंडा यार मन खराब बर्तन इन्हें आनालीसीस करवा देखा मोशन केमती आनालीसीस कर देख तो राम सीता बस ये जाऊँगी बस रे बस जाऊँगी सांग गेंडा को छाड़ दे पड़े गेंडार मन खराब राम सीता हसुच्च तो यही देख य केस रे राम आ सीता बस जाऊँ कहीद किस राम सीता मोशन अच्छा गेंडा किस अच्छे रास्ते छिड़ा ही मानते ये किस अच्छी रेस्ट रे अच्छी कितु मोशन आउ रेस्ट को जानवापी मुझे आग्रह थे कहली दरकार कि आमको ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो जगार छिड़ा ही देखिए से जगटार नाम हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर दरकार आम कह हेनी गोटे ऑब्जर्वर दरकार देख स्टार्ट करा मुझे मुझे गेंडा को ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये गेंडा को या को नेबी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते जगटा को नेबी ता जगटा को नहीं कौन हम ना ऑब्जर्वर तो गेंडार ऑब्जर्वर रु मैंने ये जदि एना ऑब्जर्वर हम ये जदि एना राम को देख ये जदि एना राम को देख देख जानपुर कौन लगे राम रेस्ट ना मोशन लगे तो ये जदि राम को देख लगे रामटा कौन अच्छी मोशन रे अच्छी क्या बसटा जाऊँगी लगे आगे पलाऊँ पोजिशन टा चेज हो गेंडा जदि सीता को देख कौन लगे यार मोशन लगे सीता भी बस जा तो गेंडा जिते राम को देखला मोशन गेंडा जिते बड़े सीता को देखला मोशन एना राम जदि गेंडा को देख ऑब्जर्वर करदे जगटा नहीं जा फ्रेम ऑफ रेफरेंस राम जदि इना गेंडा को देख राम गेंडा को कौन लगे रेस्ट ना मोशन लगे तो यही केस रेस्ट लगे मोशन लगे क्योंकि चिंता कर टे तुम्हें बस रे बसिक जाऊ तुम्हें साइड रे देख बस झरका कटे बसला बेले साइड रे गच्छ मान को अनेब तुमको लगे बस टाग को जामको लगे गच्छ का कड़े पछ को जा गच्छ का जी पछ को जाऊँ तो रियलिटी रे कौन हो बस तो आग को जाऊँ गच्छ का तो पछ को जाऊना कि मो हिसाब से लगुच गच्छ का पछ को जाऊँ मत जो देखा होटा ही मुझे कहि तेरे राम गेंडा को देख राम को लगे बसटा जाऊनी गेंडाटा पछकु पछकु जाऊँ या लगे ये मोशन रे अच्छी आउ पछकु जाऊँ सीता जदि गेंडा को देख भी लगे ये भी मोशन जाऊँ मोशन कड़े जाऊँ पछकु जाऊँ तो गेंडापी राम सीता मोशन राम सीतापाई गेंडा भी होंगे मोशन तो देख लास्ट पार्ट आस कौ गेंडा जिते सीता को देखुला कौन लगुला मोशन लगुला जदि राम देख सीता को राम सीता को जो देख एना राम जदि सीता को देख कौन लगे एना रेस्ट ना मोशन लगे कौन लगे देखिए जना पड़ी कौन लगे रेस्ट लगे कैसे रेस्ट लगे दुईज सारा देख बस बस तो दुईज सारा बस बस ये देख रेस्ट लगे आता भी जब राम को देख कौन लगे रेस्ट लगे तो राम सीता को देखने लगुच रेस्ट गेंडा जदि सीता को देखले लगुच किस है मोशन तो देख सीतार भ्यूटा जो सीता को देखुं किए राम आउ किए गेंडा गेंडापाई ये है मोशन रामपाई किस होगा रेस्ट तो देख दुईजकर भ्यूटा अलग है सामान नुहे दुईजकर भ्यू हूँ पूरा पूरी अलग सामान हम ना
ଏବେ ମୋସନଟା ଅବଜର୍ଭର ନେଇକିନା ଚେଞ୍ଜ ହବ, କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ରେଷ୍ଟ ହବ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କିସ ହବ ମୋସନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଭଲସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅବଜର୍ଭର। ଇଏ ନ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ୟା ରେସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ରାମ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ରେଷ୍ଟ, ଦେଖ ଗେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୋସନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିୟୁ ହେଲା। ହେଲା କି ମୋସନଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଯେ କି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ହେଉଥିବ ଠିକ। ମୋସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅବଜର୍ଭର, ୟା ପାଇଁ ମୋସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ କଥାଟା କହିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ମୋସନର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼ୁ ମୋସନ ଥିବ, ଯିଏ ଦେଖିଲେ ବି ମୋସନ ଲାଗିବ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ, ଆମେମାନେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁବା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମୋସନ ଅଛି ନା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଘୁରୁଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମର ଅସ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁନି, ଘୁରୁଛି କିଏ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ତ ସେଠି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଘୁରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମୋସନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା କଥାଟା, ଅବଜର୍ଭର ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା। ଧର ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲଟା ଧରି ଦେଖୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ରେଷ୍ଟ ନା ମୋସନ ଲାଗୁଛି? ତୁମେ ଯଦି ବସିକି କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦେଇକି ଦେଖୁଥିବ, ମୋବାଇଲଟା ଧରିଥିବ, ତ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଅଛି, ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। କାରଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୋବାଇଲଟାକୁ, ମୋବାଇଲଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିବି, ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସି କହିବି ତୁ ଦେଖ ସେ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସିଏ କହିବ ମୋତେ ମୋବାଇଲଟା ମୋସନ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋସନ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ତା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ବସିଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପୃଥିବୀଟା ନିଜ ଚାରିପଟେ ବି ଘୁରୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବି ଘୁରୁଛି। ଘୁରୁଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ମୋସନ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋସନ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ସେଇ ମୋବାଇଲଟା ମୋସନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିୟୁଟା ଲୋକ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ। ଲୋକମାନେ କିଏ, ଅବଜର୍ଭର, ଅବଜର୍ଭର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେମ ରେଫରେନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା କଥା ସମସ୍ତେ? ତ ଏତିକି ହେଲା ମୋସନ ଉପରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲେ, ମୋସନକୁ ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଲେ, ଆଉ ମୋସନକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିଗଲେ। ମୋସନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଅବଜର୍ଭର, ଅବଜର୍ଭର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଲା ସେମ ରେଫରେନ୍ସ। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ମୋସନଟା ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ, କାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ରେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋସନ ହେଇପାରିବ। ଗେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୀତା ମୋସନ ହେଲା, ରାମ ପାଇଁ ସୀତାଟା ମୋସନ ହେଉନି, ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକିନା, ଜାଗା ନେଇକିନା ମୋସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଏପଟେ ଲେଖୁଛି, ଲେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ, ମୋସନ ଅଲୱେଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋସନ ଇନ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ୟୁନିଭର୍ସ କହିଛି ମୁଁ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଠି ବି ତୁମେ ପାଇବନି। ଜଣକା ପାଇଁ ଯଦି ସେଇଟା ମୋସନ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଜଣକା ପାଇଁ ସେଇଟା ରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଲାଗିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଲେ ଲାଗିବ ପୃଥିବୀ ମୋସନ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ତ ବସିପାରିବନି, ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯଦି ପୃଥିବୀ ମୋସନ ଲାଗିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମୋସନ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଲେ ପୃଥିବୀ ମୋସନ ଲାଗିବ, ଅଲଗା ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ କରୁଛୁ। ସେ ମୋସନଟା ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ, ରିଲେଟିଭ କି ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଅବଜର୍ଭର ପାଇଁ ମୋସନର ଭିୟୁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋସନ, ପରଫେକ୍ଟ ମୋସନ ୟୁନିଭର୍ସ ନାହିଁ, ଯେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଦେଖିଲେ, ଯେକୌଣସି ଫ୍ରେମ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମୋସନ ହିଁ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଜାଗା ୟୁନିଭର୍ସରେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ବହୁତ ମୋସନ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, କାଇନେମେଟିକ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ମୋସନଟା କେତେ ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ତୁମକୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ବାଛିବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ମୋସନକୁ ଆମେ କେମିତି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ଏତିକି ଆମେ ମୋସନ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କଲେ।
तो नेक्स्ट क्लास रे आमे काइनेमेटिक्स जीवा जो इम्पोर्टेन्ट टर्म जे पारामीटर्स इन मोशन मोशन में कौन कौन पारामीटर आसे जो तो कही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एम विषय आम एनालिसिस करिबा नेक्स्ट वीडियो रे स्टार्ट करिबा हला कि एतिके रहिला समस्त से क्वेश्चन करदेव मुझ नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करदेवि हला कि थैंक यू।